फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीके जीएस सेट 8, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं, आप लोगों को पता ही है। और यह वीडियो लगातार मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएं वह आपको हूबहू मिल जाए और आप एग्जाम में सही टिक करके आ सकें। तो ज़्यादा देर ना करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वह ग्रह का नाम है शुक्र। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, वह रेटिना पर बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो यह विकिरण विधि द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणिक कुंडली का पता किसने लगाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो यह है वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? यह क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा दोस्तों, यह आप नोट कर लेंगे, डेसीबल के द्वारा मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एबी कल्चर, यह आप नोट कर लेंगे, और मछली पालन को कहा जाता है पीसी कल्चर, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो वह होम पेज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये आप नोट कर लेंगे, उत्तल दर्पण के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो यह होती है 332 मीटर पर सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वह है शुक्र ग्रह। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप बार बार इन प्रश्नों को देख लें और याद कर जाएं। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो वह होती है हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल की आयु कितनी है? तो यह है 4.6 अरब वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो उस तारा का नाम है हेली पुच्छल तारा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो यह लगभग 500 सेकेंड लेता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? दोस्तों, इसमें दो प्रश्न बनते हैं, कब? तो यह 1974 14 मई पोखरण राजस्थान में किया गया था, ये आप नोट कर लेंगे, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वह हार्डवेयर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो वह है रेडॉन। हमारा अगला प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वह पाया जाता है थोरियम। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो ये आप नोट कर लेंगे, थायरॉइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावित ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो यह व्हेल मछली है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था लैंड अस्टीनर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो यह है बॉक्साइट। हमारा अगला प्रश्न है, पहली कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो यह था स्पुतनिक 1। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वह है डायनेमो के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है रेम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। हमारा अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो यह मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। हमारा अगला प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो यह होता है एल्युमिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांद तारा भी कहते हैं? तो इसे कहा जाता है शुक्र को। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है क्षोभ मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है 4 मिनट। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और आपको प्लस मार्क्स देके जाने वाला प्रश्न है, इसे कहा जाता है जिप्सम। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस
सांस लेती है, तो वह गलफड़ों की सहायता से। हमारा अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण बनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो यह मुंबई में है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह है ग्रीनलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो यह है कपास की खेती के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो वह है नादिर शाह। हमारा अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यह है आरावली पर्वतमाला। हमारा अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो यह है 71%। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह है बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का सोग कहा जाता है, तो यह है कोसी। हमारा अगला प्रश्न है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो वह गंध युक्त पदार्थ है इथाइल मर्करटेन। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो वह है नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्यमंडल किस प्रदेश में स्थित है, तो यह है ओडिशा में। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो वह है पाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है, तो यह होता है वर्ल्ड वाइड वेब। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है, तो यह होती है 1024 बाइट। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो वह था बटुकेश्वर दत्त। दोस्तों ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख कर लाभ उठा सकें और वो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएँ तो सही उत्तर करके आ सकें। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो वह 1940 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कॉमन बिल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो यह एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वह है अमर्त्य सेन जी। हमारा अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो वह बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड केनिन ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की, तो वह था इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की, तो वह हैदराबाद के निजाम के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वह है गोंड जनजाति। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी एनी बेसेंट। हमारा अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वह जाने जाते हैं भगत सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, तो वह हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। हमारा अगला प्रश्न है, जनरल डायर यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की, तो वह किया गया था उधम सिंह के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वह है 24। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो वह थे जीवी मावलंकर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो वह चुना गया है सच्चिदानंद सिन्हा को। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो वह मानी जाती है आंध्र प्रदेश से। हमारा अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो यह माना जाता है केरल से। हमारा अगला प्रश्न है,
भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? हमारा तो यह है तमिलनाडु से। दोस्तों ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप नोट कर लेंगे इन प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह जम्मू कश्मीर में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह दामोदर नदी पर किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे भूमेश चंद्र बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो यह है सुरक्षा परिषद की का। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो वह था रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो यह 1995 में शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो यह अमार सुनार बांग्ला है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था बहलोल लोदी। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए आप नोट कर लेंगे, यह 42वां संविधान संशोधन है। हमारा अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो वह ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो वह थे हनीमैन। हमारा अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो वह एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो यह होता है चैत्र का। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह बांसुरी बजाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 25 वर्ष का। हमारा अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अशोक के द्वारा करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह है भारत और चीन। हमारा अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो यह होता है तना। हमारा अगला प्रश्न है, स्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह बिहार लोक का चित्रकला शैली है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इन सभी प्रश्नों का आंसर किया होगा और लगभग आपको आते होंगे, और जिन प्रश्नों का आंसर आपको नहीं आता है वो आप नोट कर लेंगे ताकि आप एग्जाम में कभी भी गलत करके ना आ सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।